मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है।